अब इसमें क्या होता है कि अगर परमिबिलिटी और फिल्टरिंग मेम्ब्रेन की बात करें, किसी किसी में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन नहीं थिक एंड एक मेम्ब्रेन नहीं थिक, और इस मेम्ब्रेन किस किस में थिक होता है, तो आपको मेम्ब्रेन थिक होने का मतलब है कि हेड 100 SC की 80 डिग्री हो गया। 80 मतलब क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गया। तो किस में होता है, मेम्ब्रेन जो थिकेंड होते हैं सबसे पहले क्या होता है, डायबिटीज मिलेटस जो डायबिटीज के केस में क्या होता है कि मेम्ब्रेन थिकेंड हो जाते हैं। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा होता है हाइपरटेंशन, दूसरा क्या होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के भी केस में क्या होता है, मेम्ब्रेन थिकेंड होता है, मतलब दोनों में क्या करता है, पर्मियबिलिटी फिल्टरिंग मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, मतलब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को कम कर दिया। डायबिटीज मिलेटस के केस में भी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिक्रीज कर दिया, हाइपरटेंशन के केस में भी डिक्रीज कर दिया। और यहाँ टोटल सर्फेस एरिया की बात करें, सर्फेस एरिया फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, तो क्या कहता है, कभी कभी क्या होता है कि सर्फेस एरिया भी रिड्यूस हो जाता है। अब किस में रिड्यूस होगा वो बता रहे हैं, कि सर्फेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। सर्फेस रिड्यूस होने का मतलब क्या है, कि या तो ग्लोमेरुला जो है फाइब्रोटिक हो जाएगा, या ब्लड कैपिलरी फाइब्रोटिक, मतलब क्या है, या तो ग्लोमेरुला फाइब्रोटिक या ब्लड कैपिलरी, दोनों में से मतलब अगर सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब या तो ग्लोमेरुला आपका फाइब्रोटिक हो चुका है, या फिर ब्लड कैपिलरी फाइब्रोटिक हो गया है। और दूसरा क्या होता है, और अगर सरफेस एरिया रिड्यूस होता है तो एक दूसरा डिजीज होता है, आपका डिजीज आगे बताया जाएगा। इसमें क्या होता है, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस होता है, ग्लोमेरुला होता है, क्रोनिक होता है पाइलोनेफ्राइटिस, ये क्या होता है, क्रोनिक होता है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो गया। और उसी तरह क्या होता है, क्रोनिक ग्लोमेरुला।